इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप मोटो G32 मोबाइल में कैसे आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो, यानी कि जो आपका फिंगरप्रिंट दिया गया है आपके बटन पे, यहाँ पे साइड बटन पे दिया गया है, तो इसमें कैसे आप सेटिंग कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन लॉक, यानी कि सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है फिंगरप्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर तीनों में से किसी पर भी क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं पहले नंबर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको एक पैटर्न बना लेना है, जो भी आप रखना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए और फिर से वही पैटर्न आप डाल दीजिए जो आप रखना चाहते हो, और कन्फर्म पर क्लिक करें। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर डन पर क्लिक करना है और यहाँ से सेटअप पर क्लिक करके आपको फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लेना है। तो यहाँ पर मैंने फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा लिया और उसके बाद यहाँ पर डन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको डन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो लग चुका है। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसे ही हम आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीके से गाइस आप फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हो।